रहेगा। बिहार में जिस प्रकार से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बिहार में कम टेस्टिंग का भी नतीजा है कि वहाँ पे आज लॉकडाउन लगाने के नौबत आ गई? देखिए, लॉकडाउन लगाने की जो आवश्यकता पड़ी है, सरकार का काम है कि आवश्यकता के अनुरूप कदम उठावे। एक तो बिहार में जो अब 10 लाख गए कि 12 लाख गए कि 15 लाख गए कि 20 लाख गए, जो बाहर के प्रवासी लोग बिहार में जाके चले गए हैं, वो बिहार के हैं लेकिन बिहार के अस्थाई तो थे नहीं। बहुत लोग विदेश प्रदेश में ही अस्थाई तौर पर बसे थे, कुछ समय पर आते थे, फिर एक आध महीना गांव में रहे, फिर बाहर आते जाते थे, अब सब गांव में टिक गए हैं। तो इसके कारण वो जनसंख्या का जो दबाव है वो भी बढ़ा है, और उस दबाव के बढ़ने के कारण गांव के अंदर जो सामाजिक और तरह की जो स्थिति है कई तरह की, उस पर भी दबाव पड़ा है, ग्राम पंचायत पर भी दबाव पड़ा है, समाज पर भी दबाव पड़ा है। और दूसरा, जो ये शहरी लोग जो गए हैं गांव में, इनका आचार विचार रहन सहन मानसिकता वो ग्रामीण रहा नहीं, तो कहीं ना कहीं उनको वहाँ पर बेचैनी महसूस होती है, बेचैनी। अब उसका तो उन्हीं को सहन करना पड़ेगा, जैसी बहे बिहार पीठ तब तैसी कीजिए, समय के अनुसार आदमी को अपने को बदलना चाहिए, अपने में परिवर्तन करना चाहिए। दूसरा, कोई भी आदमी अभी गया है तो उनको संयम से काम लेना चाहिए, मिल बांट के खाने का रहने का अभ्यास लगाना चाहिए, परिवार के कि जीवन की प्रधानता होनी चाहिए। अगर वह शहरी संस्कार के जैसे उदंड उछृंखल रहेंगे कि वैसे ही चाय का कैंटीन का शराब का ये सब सुविधा हमको मिले, तो इससे सामाजिक वातावरण भी बिगड़ेगा। तो सरकार ने इस सब को देखते हुए सरकारी साधन भी तो सीमित है ना, सरकार के पास में कोई असीमित साधन तो नहीं है, और सरकार के साधन आते हैं करों से। जब सारे व्यवसाय ठप है, रोजगार ठप है, उद्योग ठप है, तो कारोबार बंद है, तो सरकार का टैक्स आना बंद है, कहाँ से अलावे। और इतने दिन तक आज़ाद भारत में जो बिहार में राज चलाने वाले लोग हुए, अगर दूर दृष्टि रख के वो सोचे होते संयम से, त्याग से, जन कल्याण की भावना से, बिहार के समग्र विकास और उत्थान के दृष्टिकोण से अगर वो चिंतन करके राह बनाए होते, तो इस विषम परिस्थिति में भी बिहार में इतनी क्षमता थी कि मुकाबला कर लेता। लेकिन इसके पहले जो लोग आए, जो हर पार्टी को मौका मिला, आज बिहार में कौन पार्टी है जिसको मौका नहीं मिला? जात के नाम पर कौन जात है जिसको मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं मिला? 5 बार ब्राह्मण भी बने, राजपूत भी बने, भूमिहार भी बने, कायस्थ भी बने, यादव भी बने, कुर्मी भी बने, 3 दिन के लिए कुशवाहा भी बने, दलित समाज में से एक ग्रुप से राम सुंदर दास भी बने, तो दूसरे ग्रुप से भोला पासवान शास्त्री भी बने, अति पिछड़ा समाज में से कर्पूरी ठाकुर जी भी बने, मुसलमान में से अब्दुल गफूर भी बने, सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री ब्राह्मण के बने और यादव के बने। अब मेरी केवल एक ही बात बिहार की कहूँगा कि बिहार के नौजवानों, पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को आत्ममंथन आत्मचिंतन करें कि सब जात के लोगों को राज चलाने का अवसर मिला, उनके आदमी के हाथ में राजसत्ता आई,
उन्होंने अपने समय में समग्र विकास के लिए क्या किया, अपने समाज के ही सर्वांगीण विकास के लिए सोचे होते, शिक्षा के लिए, विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, संस्कार के लिए, ज्ञान के लिए, तेजस्विता के लिए, प्रतिभा के लिए। तो आज ये दुर्दशा बिहार की नहीं रहती। संजोग से अभी भी कोशिश करने के बावजूद भी हम उस रास्ते से हट नहीं पा रहे। इसलिए मेरी राय में बिहार के कंप्लीट पूर्ण रूपांतरण की आवश्यकता है, जिसको कहते हैं कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, पूर्ण रूपांतरण, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, मानसिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, चारित्रिक। ये जिसको ये संपूर्ण रूपांतरण का मतलब ये सब है, मतलब नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, नए लोगों को ही मौका देना है। नए लोग ही हैं अभी, अभी बिहार में कौन पुराना है? चिराग पासवान बूढ़ा है क्या? तेजस्वी यादव बूढ़े हैं क्या? और जो लोग उसमें हैं सो नए लोग भी काफ़ी हैं, लेकिन नए लोग हों लेकिन उनकी दृष्टि में व्यापकता हो, समग्रता हो, राष्ट्रीयता हो, उदारता हो, त्याग हो, तपस्या हो, समर्पण की भावना हो। ये जो गुण है ये किसी भी जाति के अंदर हो, कर्पूरी ठाकुर तो ना ही थे, सबसे गरीब थे, जात के सबसे कम उन्हीं की थी, उनके जात की संख्या से बल पर तो कोई पंचायत का वार्ड कमिश्नर भी नहीं बन सकता है, लेकिन वो बिहार में इतने दिन नेता थे ना, समाज के सभी लोगों ने उनको साथ दिया था ना, सभी जाति के लोग, खास करके यादव समाज तो के असली नेता कर्पूरी ठाकुर ही अपने समय में थे। मैं उनका साथी था कर्पूरी जी का, और मुझे गर्व है कि मैं कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में काम किया था। आज बिहार को एक कर्पूरी ठाकुर चाहिए, भोला पासवान शास्त्री चाहिए, मिश्री सदा जैसा चाहिए, आज बिहार को चाहिए जगलाल चौधरी जैसा चाहिए, बिहार को धनिकलाल मंडल जैसा चाहिए, बिहार को उपेंद्रनाथ वर्मा जैसा चाहिए, बीरचंद पटेल चाहिए, भूपेंद्र नारायण मंडल चाहिए, अक्षय भट्ट राय चाहिए। ये सभी जाति के नेताओं का नाम मैं ले रहा हूँ, वो भी थे, वो समाज के थे, समाज के थे। कृष्ण यदुवंशी थे, लेकिन केवल यादवों के नहीं थे, वो विश्व विराट पुरुष थे। हम किसी न किसी जाति में जन्म लेंगे, जाति में जन्म लेना मेरे अपने बस की बात नहीं है, लेकिन जाति में जन्म लेके केवल जाति के कटघरे में कैद हो जाना ये अपनी प्रतिभा का, अमानवता का अपमान है। हमारी व्यवस्था है, ईश्वर की इच्छा से हम किसी जाति में जन्म लिए हैं, लेकिन हम हैं मानव, इसलिए हमारे हृदय में, हमारे जीवन में राम के जैसे मर्यादा हो, कृष्ण के जैसे हृदय की उदारता हो, और शिव के जैसे असीम मस्तिष्क हो, जिसकी कल्पना डॉक्टर लोहिया ने की थी। एक आखिरी सवाल है कि सर, जिस प्रकार, जिस पूर्ण रूपांतरण की आप बात कर रहे हैं, क्या वो भाजपा अकेले बिहार में